हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली किस प्रकार से आप ओप्पो के मोबाइल में कीबोर्ड थीम चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात और नीचे करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक चेंज सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सेटिंग से रिलेटिव वीडियो में आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियोज पहले चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सेटिंग पे क्लिक इस तरीके से मैं आपको बताऊँ, सेटिंग पे सर्च कर कुछ भी। तो फ्रेंड्स, आपको कीबोर्ड यहाँ पे दिखेगा। तो कीबोर्ड सेटिंग की बात करें तो कीबोर्ड से ही मैं आपको बता दूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आपको छोटा सेटिंग दिया जाता है, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे थीम का थीम देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे आप। ये आपको कीबोर्ड थीम देखने को मिल जाता है तो उससे कर सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपको मैनी पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है, जो भी आप चेंज करना चाहें। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा कलर का लगा रखा है थीम, आपको बैक करके दिखा देती हूँ, मैं थीम लगा रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी पर दोबारा क्लिक करेंगे, इस पर जाएंगे आप, फिर से थीम पे जाएंगे आप। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं जो भी आप थीम चाहिए आपको। तो मुझे मैं ब्लू लो रखी हूँ, तो मैं आपको ग्रीन थीम लगा के दिखाती हूँ, इस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट का निशान आएगा, यानी कि आपका थीम लग चुका है। आपको बैक करके देखेंगे, इसको बैक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा कीबोर्ड थीम चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप हर मोबाइल की कीबोर्ड थीम चेंज कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल का इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर जरूर कर दें, आप लाइक ही नहीं करते। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।